हेलो एवरी वन माई नि शिवानी आजाद एंड टॉपिक दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स सो यहाँ पे प्लेइंग विद नंबर्स में फर्स्ट टॉपिक है हमारा हैल्टीपल्स और राइट अब ये क्या होता है वो समझने की ट्राई करते हैं तो अगर सबसे पहले हमें उठाते हैं फैक्टर्स फैक्टर्स राइट प्लेन विध नंबर के साथ में खेलना है बस ठीक है नंबर को समझना है राइट right? तो सबसे पहले फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स क्या होता है तो देखो अगर मैं इसको नॉर्मली प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूं तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सिक्स की अच्छा सिक्स को कौन कौन परफेक्टली डिवाइड करता है ये बताओ सिक्स को कौन कौन परफेक्टली डिवाइड करता है या फिर ये बताओ कि सिक्स किस किस की टेबल में आता है तो सिक्स को पहले वन भी डिवाइड करते हैं ठीक है फिर टू डिवाइड करता है सिक्स को बिल्कुल करता है थ्री करता है करता है थ्री टू जी सिक्स फिर फोर करता है नहीं करता फाइव नहीं करता सिक्स सिक्स अपने आप को डिवाइड करता है राइट right? तो सिक्स को जो इसको परफेक्टली डिवाइड करते हैं दैट आर नोन एज फैक्टर्स तो सिक्स के फैक्टर्स क्या हो गए वन टू थ्री सिक्स ये इसके क्या हो गए बच्चा फैक्टर्स हो गए राइट right? और एग्जाम्पल देखें तो जैसे टेन टेन की बात करें तो टेन के फैक्टर्स क्या होंगे तो मैं ये सोचूंगी टेन को कौन परफेक्टली डिवाइड करता है तो क्या वन करता, करता है तो वन टू करता, करता है तो टू थ्री करता है थ्री की टेबल में टेन आता है नहीं आता फोर की टेबल में नहीं आता फाइव बिल्कुल आता है देन सिक्स नहीं आता सेवन नहीं आता एट नहीं आता नाइन नहीं आता टेन टेन अपने टेबल में आता है टेन वन 10। टेन 10, तो ये क्या हो गए टेन के फैक्टर्स हो गए राइट तो फैक्टर्स इज नथिंग बट डिवाइजर्स, जो नंबर को परफेक्टली डिवाइड करे राइट परफेक्टली नंबर को डिवाइड करे डिवाइड गिवन नंबर क्या यहां तक बात क्लियर हुई क्या यहां तक हमारी बात क्लियर हुई फैक्टर्स क्या होते हैं अच्छा और एग्जाम्पल लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी समझते हैं राइट सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यहाँ पे अपन बात करते हैं एक और नए नंबर की दैट विल बी वॉट एट ले फैक्टर्स ऑफ एट फैक्टर्स ऑफ एट या फिर ट्वेल्व ले लेते ले ले हैं चलो बड़ा नंबर ले लेते ले ले हैं ट्वेल्व तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें ठीक है फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व की बात करें तो ट्वेल्व को कौन कौन परफेक्टली डिवाइड करता है वन करता है बिल्कुल वन करता है टू करता है बिल्कुल करता है थ्री करता है थ्री फोर जैर ट्वेल्व बिल्कुल करता है फोर करता है बिल्कुल करता है फोर थ्री जो ट्वेल्व फाइव करता है नहीं फाइव के टेबल में ट्वेल्व नहीं आता सिक्स बिल्कुल करता है सेवन नहीं करता एट नहीं नाइन नहीं टेन बिल्कुल भी नहीं इलेवन नहीं ट बिल्कुल ठीक है क्लियर है अच्छा अपन ने एक और के निकाले थे 10 के मैं वो भी लिख देती हूँ टेन के भी अपने क्या आए थे 1, 2, 5, 10. अब अपन इनसे क्या करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स समझने की कोशिश करते हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स सीख दिए मैंने तो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स यहीं से स्टार्ट करेंगे ठीक है ना इन्हीं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे अच्छा देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स दिख रहा है कि वन सबको डिवाइड करता है वन हर एक जैसे ट्वेल्व का भी वन फैक्टर है टेन का भी वन फैक्टर है तो हम ये कह सकते हैं कि वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर क्या मैं ये बोल सकती हूं जब अपन ने सिक्स का भी निकाला था तो भी वन एक फैक्टर आया था राइट right? तो क्या मैं ये कह सकती हूँ वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर अच्छा सेकेंड पॉइंट जो हम देखेंगे ना वो ये देखेंगी कि देखो ट्वेल्व की बात करें तो ट्वेल्व खुद भी एक फैक्टर है टेन की बात की तो टेन का फैक्टर टेन भी है सिक्स की बात की तो सिक्स का फैक्टर सिक्स था राइट right? तो नंबर का फैक्टर खुद भी हो सकता है नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ राइट एक जो नंबर हम उठा रहे हैं वो खुद का भी फैक्टर है राइट right? 12 है तो 12 10 है तो 10 10 अपने आप का एक फैक्टर होता है क्लियर चलो सेकंड <coughs> पॉइंट हो गया थर्ड पॉइंट की बात करें अच्छा क्या मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर सकती हूँ? नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 के अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूँ तो कितने आएंगे तो मैं काउंट कर सकती हूं क्या बिल्कुल कर सकती हूं 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने हो गए सिक्स हो गए इसके कितने हो गए फोर हो गए तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है काउंटेबल है मतलब कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गए बेटा नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स आर वॉट फाइनाइट क्या यहां तक बात क्लियर हुई क्या यहां तक बात क्लियर हुई तीन पॉइंट क्लियर हो गए चलो फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो अपन ने फैक्टर्स लिए देखना ध्यान से समझना ट्वेल्व एक फैक्ट नंबर है चलो ये रहा नंबर कोई भी मान लो जैसे ट्वेल्व है ठीक है ना नंबर ये नंबर उठाया तो नंबर कोई किसकी बात कर रहे हैं ट्वेल्व की बात कर रहे हैं ठीक है।, है ना अब देखो जो फैक्टर्स है ना वो या तो ट्वेल्व से छोटे हैं वन ट्वेल्व से छोटा है टू भी ट्वेल्व से छोटा है थ्री भी ट्वेल्व से छोटा है फोर भी ट्वेल्व से छोटा है सिक्स भी ट्वेल्व से छोटा है या तो नंबर से फैक्टर्स छोटे होंगे या इक्वल होंगे क्योंकि ट्वेल्व इक्वल टू ट्वेल्व होता है राइट तो नंबर से या तो फैक्टर्स क्या होंगे छोटे होंगे नंबर से या तो फैक्टर्स छोटे होंगे तो मैं ये बोल सकती हूँ कि नंबर या तो बड़ा होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके फैक्टर्स के मतलब कि फैक्टर्स क्या होंगे नंबर से छोटे होंगे या फिर इक्वल होंगे फैक्टर्स आर यहां पे लिख देती हूं मैं फैक्टर्स आर इधर स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर और इक्वल टू द नंबर क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से क्या ये चार पॉइंट्स क्लियर है कि वन एक तो फैक्टर होता ही है किसी भी नंबर का नंबर इट भी एक फैक्टर होता है थर्ड बात ये कि हम नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर सकते हैं दैट मींस दे आर फाइनाइट एंड फोर्थ इज फैक्टर्स आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर क्लियर तो फैक्टर्स क्लियर हो गया अब बात करते हैं मल्टीपल्स की सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल्स और नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल्स नाउ वॉट इज मल्टीपल्स मल्टीपल्स की बात करें और मैं इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँ बुकेश लैंग्वेज को हटा के तो मैं ये बोलूँगी कि आप टेबल लिख दो अगर मुझे सेवन के मल्टीपल निकालने ना बोला है कि मल्टीपल ऑफ़ सेवन फाइंड द मल्टीपल ऑफ सेवन तो मैं क्या करूँगी सिर्फ सेवन की टेबल लिखते हुई जाऊँगी तो सेवन मल ज़र सेवन सेवन टू ज़र फोटीन सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन सेवन फोर जो ट्वेंटी एट एंड तो ये इसके मल्टीपल्स हो गए तो कभी भी मल्टीपल पूछा जाए टेबल लिख दो अब मैं बोलू कि मल्टीपल ऑफ टू की बात करूं या मल्टीपल ऑफ चलो फाइव की बात कर लेते हैं तो मल्टीपल ऑफ फाइव बताओ तो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी एंड ऑन टेबल लिखते जाओ क्या ये बात क्लियर हुई तो ये मल्टीपल्स होते हैं राइट अब इनकी हेल्प से इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन की प्रॉपर्टीज क्या होती है तो प्रॉपर्टीज की बात करें इसकी तो ये दो एग्जाम्पल है इनकी हेल्प से ही अपन समझेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो दिख रही है वो हमें क्या दिख रही है कि नंबर अगर मैं सेवन की बात कर रही हूँ तो सेवन एक अपने आप का मल्टीपल है फाइव की बात कर रही हूँ तो फाइव भी एक अपने आप का मल्टीपल है तो नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स अ नंबर इज अंबर इज अ मल्टीपल Of itself, कि एक नंबर अपने आप का मल्टीपल होता ही है सेवन वन जर सेवन फाइव वन जर फाइव वन टाइम में आएगा है ना ठीक है सेकेंड बात सेकेंड बात जो नोटिस में आ रही है वो कि क्या मैं मल्टीपल्स काउंट कर सकती हूँ टेबल तो मैं कितने भी फाइनाइट इनफाइनाइट लिख सकती हूँ ना सेवन हंड्रेड या सेवन हंड्रेड सेवन थाउजेंड या सेवन थाउजेंड सेवन लैक्स या सेवन लैक कितना भी टेबल लिख सकती हूँ मैं तो राइट right? तो दे आर नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट क्या होते हैं मेरा बच्चा इनफाइनाइट होते हैं मतलब कि वी कैन नॉट काउंट देम राइट थर्ड बात करें थर्ड मल्टीपल में तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो देखना मल्टीपल्स को ध्यान से देखना ये रहा नंबर कोई भी नंबर ले लेते हैं जैसे सेवन ले लिया ठीक है ना नंबर से अगर मैं मल्टीपल्स को कंपेयर करूं नंबर से अगर मैं मल्टीपल को कंपेयर करूं तो मैं ये देखूंगी कि या तो मल्टीपल इक्वल है देखो सेवन सेवन के इक्वल है या फिर नंबर जो मल्टीपल्स हैं वो सेवन से या बड़े हैं क्या है बेटा बड़े हैं फोटीन बड़ा है ट्वेंटी वन बड़ा है ट्वेंटी एट बड़ा है और आप टेबल लिखते हुए जाओगे तो और बड़े हुए आते जाएंगे तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मल्टीपल्स हैं या तो नंबर से बड़े होंगे या इक्वल होंगे राइट तो मल्टीपल्स मल्टीपल्स आर इधर इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर और ग्रेटर देन द नंबर क्या ये बात समझ में आई क्या ये फैक्टर और मल्टीपल्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो क्लियर हुई फैक्टर्स मल्टीपल्स क्लियर हुआ और राइट सो ये टॉपिक आए गए सबको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं सो नेक्स्ट टॉपिक से टाइप्स ऑफ नंबर टाइप्स ऑफ नंबर्स कि नंबर कितने कितने टाइप के होते हैं उनकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स राइट तो अगर मैं टाइप्स ऑफ नंबर की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं सबसे बेसिक की बात करूं तो दो टाइप के होते हैं कि या तो नंबर इवन होंगे या ऑड होंगे फर्स्ट फर्स्ट डिफरेंस की बात करूं फर्स्ट डिफरेंस की तो या तो नंबर इवन होंगे या फिर नंबर क्या होंगे बच्चा ऑड होंगे अब ये डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं इवन ऑड में तो याद ये क्या होंगे इट इज डिविजिबल बाय टू इट इज डिविजिबल बाय टू मतलब कि टू की, की टेबल में आएंगे और इट इज नॉट डिविजिबल बाय टू मतलब कि ये टू की टेबल में नहीं आएंगे इट इज नॉट यहां पर मैं स्पेशली यहाँ पे ऊपर लिख रही हूं इट इज नॉट डिविजिबल बाय टू ये टू से डिविजिबल नहीं होंगे मतलब टू की टेबल में नहीं आएंगे ठीक है ना तो जैसे कि टू हो गया फोर हो गया सिक्स हो गया एट हो गया सो ऑन राइट अगर ऑड की बात करूं तो जो टू की टेबल में नहीं आते तो वन हो गया थ्री हो गया फाइव हो गया सेवन हो गया नाइन हो गया एंड सो ऑन क्या ये डिफरेंस क्लियर हुआ इवन ऑड में ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो चीज़ों में डिवाइडेड है या तो नंबर प्राइम होंगे या तो नंबर प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे और या तो नंबर यूनिक होगा यूनिक नंबर अब इन तीनों को आराम से डिस्कस कर लेते हैं अपन यूनिक नंबर बेटा नंबर ये एनओ मतलब क्या होता है नंबर अगर मैं ओ डॉट लिख रही हूं मतलब कि आई मीन टू से नंबर राइट आई मीन टू राइट नंबर दिस इज अट फॉर्म ऑफ नंबर राइट अगर मैं प्राइम की बात करूं तो प्राइम के क्या होते हैं बेटा दो ही फैक्टर्स होते है. अभी पढ़े हैं हमने तो प्राइम में क्या होगा फैक्टर्स आर एग्जैक्टली टू तो इन नंबर एग्जैक्टली या फिर टू फैक्टर्स आर एग्जैक्टली देर अगर किसी भी किसी भी नंबर की सिर्फ दो फैक्टर्स हैं जो कि कौन से कौन से होते हैं वन एंड इट्स सेल्फ वन एंड इट्स सेल्फ तो वो बेटा प्राइम होगा अगर मोर देन टू फैक्टर्स हैं मोर देन टू फैक्टर्स हैं मोर देन टू फैक्टर्स हैं तो वो क्या होंगे बच्चा कंपोजिट होंगे क्या होंगे कंपोजिट होंगे तो दोनों के एग्जाम्पल की बात कर लें जैसे कि मैं बात करूं टू टू किस किस की टेबल में आता है टू किस किस की टेबल में आता है तो वन की टेबल में आता है और टू की टेबल में आता है तो वन एंड इट सेल्फ वन एंड इट सेल्फ तो ये क्या हो गया बच्चा प्राइम हो गया क्लियर है अगर मैं फाइव की बात करूँ यहाँ पे तो फाइव किस किस की टेबल में आता है एक तो वन की टेबल में आता है टू की टेबल में आता है नहीं थ्री की टेबल में नहीं फोर की टेबल में नहीं फाइव की टेबल में हाँ तो फाइव को कौन कौन एग्जैक्टली डिवाइड करता है वन और फाइव तो वापिस से वन एंड इट सेल्फ ठीक है तो ये क्या होगा प्राइम के एग्जाम्पल होगा क्लियर है बच्चा अगर कंपोजिट की बात करूँ तो मोर देन टू फैक्टर्स तो जैसे कि मैं बात करूँ फोर की तो फोर क्या होता है वन से एग्जैक्टली exactly डिविजिबल है टू से है क्या बिल्कुल है थ्री से है नहीं है फोर से है बिल्कुल है तो ये मोर देन टू फैक्टर्स आ गए ना मोर देन टू फैक्टर्स तो ये कंपोजिट हो गया अगर मैं सिक्स की बात करूँ तो वन की टेबल में आता है मतलब वन से एग्जैक्टली exactly डिविजिबल है टू से एग्जैक्टली exactly डिविजिबल है थ्री से देन सिक्स है तो ये भी क्या हो गया कंपोजिट हो गया क्या ये बात क्लियर हुई अच्छा अब बात ये आती वन की अगर मैं वन की बात करूँ ना बेटा तो वन तो सिर्फ वन ही होता है वन का फैक्टर वन होता है सिर्फ तो अगर मैं प्राइम की बात करूँ तो प्राइम के तो दो फैक्टर्स होने चाहिए इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर है अगर प्राइम की बात करो तो कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए कम से कम क्या एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होने चाहिए और कंपोजिट की बात करो तो मोर देन टू फैक्टर्स होने चाहिए दो से ज्यादा पर इसका तो एक ही है तो ना ही वन वन इज नीदर कंपोजिट नोर प्राइम वन इज नीदर कंपोजिट नोर प्राइम क्योंकि वो दोनों की डेफिनेशन में नहीं आता ठीक है वन हैज एग्जैक्टली वन फैक्टर वन हैज एग्जैक्टली वन फैक्टर एग्जैक्टली वन फैक्टर तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है यूनिक नंबर बोला जाता है क्या बोला जाता है यूनिक नंबर क्या ये बात क्लियर हुई क्या ये बात क्लियर हुई अच्छा अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की ठीक है यहीं से एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक है सबसे पहली बात अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछूं तो मैं पूछना चाहती हूँ कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइन इज सबसे पहला क्वेश्चन जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा तो वन तो ना ही प्राइम होता है नो ही ना ही कंपोजिट होता है ठीक है ना तो वन तो हट गया टू प्राइम होता है थ्री प्राइम होता है ठीक है ना करके बताते हैं टू क्या होगा वन इंटू टू थ्री क्या होगा वन और थ्री फिर फोर की बात करें तो ये तो प्राइम हो गया ये प्राइम हो गया और फोर की बात करो तो वन टू फोर तो ये कंपोजिट हो गया तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया हमारा फोर हो गया दैट विल बी आर आंसर क्या ये बात क्लियर हुई सेकेंड बात इवन प्राइम नंबर ओनली इवन द ओनली इवन प्राइम नंबर द ओनली इवन प्राइम नंबर ऐसा एक प्राइम नंबर जो कि इवन है तो बेटा दैट इज टू सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है अदर देन दैट ऑल आर ऑड अदर देन दिस अदर देन दिस ठीक है ना अदर देन टू ऑल आर ऑड अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो अदर देन टू ऑल आर ऑड प्राइम नंबर्स इसके अलावा सारे ऑड प्राइम नंबर्स है इसका भी मैं रीजन दे देती हूँ इसका भी मैं एक रीजन दे देती हूँ जैसे मैं टू की बात करूँ तो टू के देखो दो फैक्टर है वन एंड टू तो बिल्कुल ये प्राइम नंबर है पर अगर मैं फोर की बात करूँ ना तो टू एक फैक्टर आएगा ही आएगा वन भी आएगा टू भी आएगा और एच भी आएगा बाकी सारे जो प्राइम जो इवन नंबर्स होते हैं ना बेटा सारी इवन नंबर्स तो ये तीन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे ये तीन मिनिमम तो आएंगे ही आएंगे किसी भी इवन नंबर को उठा लो तो जब प्राइम की बात होती है तो दो एग्जैक्टली exactly दो फैक्टर होते हैं और हमें पता है कि हर एक इवन नंबर टू से तो डिविजिबल होगा ही टू के अलावा की बात करें तो वो टू से तो डिविजिबल होगा तो वन टू और इट्स सेल्फ तीन तो मिनिमम होंगे ही होंगे तो वो इवेंचुअली क्या हो गया कंपोजिट हो जाता है अगर मैं देखो अगर मैं सिक्स की बात करूँ तो देखो वन भी एक फैक्टर है सिक्स भी एक, एक फैक्टर है और टू भी एक फैक्टर होगा ही होगा क्योंकि टू की टेबल में आएगा ना इवन नंबर की तो डेफिनेशन ही होती है कि वो टू की टेबल में आना चाहिए तो ये तीन तो मिनिमम होंगे ही होंगे तो क्या ये प्राइम रह जाएगा बिल्कुल नहीं रहेगा मोर देन टू फैक्टर्स मतलब कंपोजिट तो ये तो कंपोजिट बन गया ना बच्चा फिर एक्स्ट्रा में कुछ भी आया वो बात अलग है एक्स्ट्रा में कितने भी फैक्टर्स और आ जाए दैट इज़ समथिंग एल्स ठीक है फिर वो कंपोजिट ही खिलाएगा तो इसलिए अगर पूछा जाए ओनली इवन प्राइम नंबर दैट इज टू बाकी सारे ऑड होते हैं क्लियर है थर्ड ऑल ऑल कंपोजिट नंबर्स ऑल कंपोजिट नंबर्स ग्रेटर देन फोर ग्रेटर देन फोर अगर मैं सारे कंपोजिट नंबर की बात करूं ग्रेटर देन फोर दैट कैन बी रिटर्न इन दैट कैन बी दैट कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ़ एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स सम ऑफ़ टू प्राइम नंबर्स अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूँ किसी भी कंपोजिट नंबर की बात करूँ ग्रेटर देन फोर मैंने क्या लिखा है ग्रेटर देन फोर मैंने स्पेसिफाई करा है ठीक है ना तो देट कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स ठीक है तो एक बार देख लें उनको समझ लें अच्छा यहाँ पे देखना ऑल क्या ये मैंने स्टेटमेंट सही लिखा है ऑल कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन फोर दैट कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ द टू प्राइम नंबर्स चेक करते हैं ठीक है ना तो जैसे मैं सिक्स की बात करूँ तो सिक्स एक कंपोजिट नंबर है दैट कैन बी रिटर्न एज थ्री प्लस थ्री लिख सकते हैं ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है बिल्कुल सही ठीक है ना तो ये तो इवन कंपोजिट नंबर है इवन कंपोजिट नंबर ठीक है ना अगर मैं और एट की बात करूं तो फाइव प्लस थ्री ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, बिल्कुल सही है। अच्छा क्या मैं ऑड को लिख सकती हूँ क्या क्या मैं ऑड कंपोजिट नंबर्स को भी दो प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकती हूँ क्या चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे नाइन मैं नाइन की बात करूं तो नाइन को मैं दो प्राइम नंबर के सम के बराबर लिख सकती हूँ क्या हा? जैसे कि टू प्लस सेवन बिल्कुल लिख सकते हैं ये प्राइम है ये भी प्राइम है तो कोई भी कंपोजिट नंबर है ग्रेटर देन फोर आप उसको प्राइम नंबर के सम के बराबर लिख सकते हैं क्लियर है ये चीज़ श्योर sure, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा जो नेक्स्ट टाइम हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वाला है देखो दो चीज़ें आती है दो चीज़ें आती हैं प्राइम में भी अगर प्राइम की बात करूं ना तो दो टर्म्स को अपन को पढ़ने की जरूरत है एक तो क्या होता है ट्विन प्राइम एक होता है ट्विन प्राइम और एक होता है प्राइम ट्रिपलेट्स एक होता है प्राइम ट्रिपलेट्स ठीक है ना ट्रिपलेट्स एक ट्विन प्राइम एक ट्रिपलेट प्राइम ठीक है ना दोनों प्राइम नंबर है दोनों प्राइम्स है अब ये क्या होता है तो ट्विन प्राइम मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस टू है ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस टू है प्राइम नंबर्स टू प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस इज़ इक्वल टू टू, विद डिफरेंस इज़ इक्वल ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस टू है और ट्रिपलेट क्या होगा ऐसे थ्री प्राइम नंबर्स जिनका कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस टू है प्राइम नंबर्स विद कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस equal टू टू Consecutive मतलब एक के बाद एक है ना अभी समझाती हूँ मैं दोनों का डिफरेंस टू है या अगर ट्विन है मतलब कि दो की बात हो रही है दो प्राइम नंबर की बात हो रही है ट्रिपलेट की बात हो रही है तो तीन प्राइम नंबर की बात हो रही है दैट्स इट तो जैसे कि मैं बात करूँ मैं यहाँ पे लिखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है मेरा बच्चा दस तक की बात कर लेते हैं अभी फॉर एग्जाम्पल अच्छा पहले तो प्राइम नंबर स्पेसिफाई करो वन इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट हटाओ टू और थ्री प्राइम है ये प्राइम है ये प्राइम है ये कंपोजिट हटा दो अभी क्योंकि प्राइम नंबर की बात हो रही है ये प्राइम है ये कंपोजिट है हटाओ ये प्राइम है ये प्राइम नहीं है ये प्राइम नहीं, नहीं है इसको भी हटाना है होल्ड ऑन अ सेक ये हटा देते हैं और दिस इज नॉट प्राइम दिस इज़ कम्पोजिट दिस इज कम्पोजिट ठीक है ना अभी अपन इनकी बात करते हैं तो मेरे को पता है दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस टू है तो क्या टू और थ्री प्राइम ट्विन प्राइम होंगे क्या टू कॉमा थ्री ट्विन प्राइम होंगे बच्चा ये भी प्राइम ये भी प्राइम चलो एक स्पेसिफ एक तो कंडीशन स्पेसिफाई हो रही है कि दो प्राइम है पर क्या डिफरेंस टू है नहीं यहाँ पे डिफरेंस दोनों का वन है डिफरेंस टू होना चाहिए मेरा बच्चा डिफरेंस कितना होना चाहिए टू तो टू और थ्री की बैठेगी नहीं अच्छा फिर थ्री और फाइव की बात करें तो थ्री और डिफरेंस भी टू है तो बिल्कुल ये ट्विन प्राइम है तो अच्छा तो तो फाइव और सेवन की बात करें तो बिल्कुल वो भी है क्योंकि दोनों प्राइम है और डिफरेंस भी टू है और इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ये सब क्या है ये ट्विन इन प्राइम से बेटा क्योंकि सारे प्राइम नंबर है और डिफरेंस भी कितना है टू है क्लियर अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूँ तो कॉन्सिक्यूटिंग डिफरेंस टू होना चाहिए तो देखो इधर

नंबर अगेन लैंग्वेज में ना जाते हुए प्रैक्टिकली समझते हैं ठीक है ना को-प्राइम नंबर ऐसे जो कि अपने एक दूसरे से डिवाइड ना होते हो ठीक है ना एक दूसरे की टेबल में ना आते हो या डिवाइड ना होते हो ठीक है ना आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते दैट इज नोन एज कम्पो प्राइम ठीक है ना मतलब कि अगर मैं फैक्टर इज इक्वल टू वन अब इसको भी समझाने की ट्राई करते हैं ये क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू वन वट इज समझने की कोशिश करते हैं जैसे मैं बात करू टू की तो वन इंटू टू

इसको मैं क्या लिख सकती हूँ वन कोमा टू कॉमा फोर एक सेकंड एक यहाँ पे मैं कॉमा लगा देती हूँ ठीक है ना तो यहाँ पे वन कॉमा टू कॉमा फोर और अगर मैं सिक्स की बात करूँ तो वन कोमा टू कॉमा सिक्स मतलब सबसे ज्यादा बड़ा अगर बड़ा कॉमन फैक्टर आप ढूंढ सकते हो तो वो बन ही होना चाहिए तो क्या ये कोप्राइम है तो देखो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे देखो वन भी है और टू भी है तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया दोनों का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूँ यहाँ पे थ्री भी आएगा ठीक है मान लेते हैं ठीक है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया जो कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कौन सा कॉमन फैक्टर आ आ रहा है? आ रहा है है तो क्या ये कोप्राइम होंगे तो फोर एंड सिक्स नहीं होंगे क्लियर हुई बात क्या यहाँ तक बात क्लियर है अच्छा और बात करते हैं और बात करते हैं यहाँ पे एट और फिफ्टीन ठीक है ना एट एंड फिफ्टीन की बात करते हैं तो एट का जो प्राइम फैक्टर होगा

देखो टू थ्री फोर फाइव एट फिफ्टीन अगर मैं देखू तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वन आ रहा है ऐसे कितना आ रहा है वन आ रहा है तो यस एट एंड फिफ्टीन आर को प्राइम नंबर ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है दिस इज बुकेश लैंग्वेज अगर हमें बुकेश लैंग्वेज से समझाने की कोशिश करूँ तो ये है कि आप उनके फैक्टर्स निकाल लो फिर देखो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है अगर वन है तो वो क्या हो जाएंगे को प्राइम हो जाएंगे ठीक है क्या ये बात क्लियर हुई तो एट एंड फिफ्टीन अच्छा अब यहां से प्रॉपर्टीज़ की बात करें। तो सबसे पहली बात देखो को प्राइम कोप्राइम नंबर आर नॉट नेसेसरीली नॉट नेसेसरीली प्राइम्स जो दो दोप्राइम नंबर है ना बच्चा वो नेसेसरी नहीं है कि हो क्योंकि ये रहा है एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल ये रहा है। देखो दोनों कंपोजिटे स्टिल दे आर को प्राइम ठीक है सेकेंड की बात सेकेंड नंबर की मैं बात करूं इसकी, तो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम दो कॉन्जिव मतलब एक के बाद एक आने वाले जैसे मैं एग्जाम्पल हूँ फोर और फाइव का तो फोर क्या हो जाएगा वन टू फोर और ये कितना आ जाएगा वन फाइव ये कंपोजिट है ये प्राइम है स्टिल दे आर वॉट इनके हाइएस्ट नॉमर फैक्टर वन आ रहा है स्टिल दे आर को प्राइम तो कोप्राइम क्या हो जाएंगे ये फोर एंड फाइव तो कोई भी दो कॉन्जिकटिव नंबर निकालोगे ना इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन सेवनटीन एटीन कोई भी दो कॉम्पो ये कॉन्जिकटिव नंबर निकालोगे दे विल बी कोप रहे ठीक है थर्ड पॉइंट द लास्ट पॉइंट दैट वी विल वी विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर विल बी टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम टू uh, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम अगर दो प्राइम नंबर की बात करूँ ना मैं कभी भी तो वो हमेशा को प्राइम होंगे इसका भी मैं रीजन दे, दे देती हूँ इसका भी मैं रीजन दे, दे देती हूँ जैसे मैं बात करूँ थ्री और फाइव की तो थ्री भी प्राइम है

श्योर ठीक है आगे कुछ क्वेश्चन कर देते हैं इनसे रिलेटेड ठीक है जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं जैसे कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी बुक से रिलेटेड तो वो कहता है

टू की बात करें तो वन इंटू टू तो दैट इज प्राइम नंबर क्योंकि दो फैक्टर है वन बात करें। ये भी प्राइम नंबर है दो फैक्टर है अगर मैं की बात तो, वन एट। तो दिस ये हमारा आंसर खत्म right. हो गया तक क्लियर हुआ होगा अब है ना यहाँ पे नंबर ऑफ इवन नंबर बिटवीन फिफ्टी एट एंड एट्टी सेकेंड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इवन नंबर नंबर ऑफ इवन नंबर बिटवीन फिफ्टी एट टू एटी जल्दी से बताओ फिफ्टी एट टू एटी के बीच में कितने ईवन नंबर हैं सारे निकाल के बता सकते हो कि कितने नंबर्स आएंगे तो ईवन नंबर जो टू के टेबल में आते हो ठीक है तो फिफ्टी एट के बाद में सिक्सटी हो गया सिक्सटी टू हो गया सिक्सटी फोर हो गया सिक्सटी सिक्स हो गया सिक्सटी एट हो गया सेवेंटी हो गया बिटवीन मतलब फिफ्टी एट और काउंट नहीं होंगे ये दोनों काउंट नहीं होंगे बेटा बिटवीन में ठीक है ना सेवेंटी टू हो गया सेवेंटी फोर हो गया सेवेंटी सिक्स हो गया और सेवेंटी एट हो गया तो कितने होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो हमारा आंसर कितना होगा टेन नंबर तो टेन इवन नंबर आएंगे इन दोनों के बीच में क्या ये बात क्लियर हुई अब विच ऑफ दाइन नंबर इनमें से कौन से पेयर कोप्राइन नंबर सेवन नेक्स्ट इज फोर्टी सिक्स फिफ्टी फोर्टी सिक्स फिफ्टी सेवेंटी टू एट सेवेंटी एट सेवेंटी टू सेवेंटी एट और नन ऑफ दीज डीज नन ऑफ दीज ठीक है अब मुझे बताओ इनमें से कौन से क्या है कोप्राइम है विच वन ऑफ दीज इज को ठीक है थीके? तो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये भी इवन है ये भी इवन है ठीक है तो इन दोनों में टू कॉमन फैक्टर होगा ही होगा हंड्रेड एंड वन परसेंट तो को हो ही नहीं सकते क्योंकि मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये भी इवन है ये भी इवन है तो इसमें भी क्या होगा टू एक कॉमन फैक्टर होगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन हो ही नहीं सकता तो ये भी खत्म अगर मैं फिफ्टी फाइव और फिफ्टी सेवन की बात करूं तो ये होगा फाइव इन इलेवन और यहाँ पे वन यही हो सकता है वन फाइव इलेवन ना ये फाइव का मल्टीपल है ना ये इलेवन का मल्टीपल है कुछ भी अलग भी आ सकता है तो वन दोनों में कॉमन आ जाएगा तो वन इन टू ये आप कुछ भी लिख सकते हो ठीक है तो ये दिस इज नंबर क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट फिर उसके ने बाद अपन परफेक्ट नंबर्स पे चलेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का ठीक है अब है ना आ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फैक्टर्स डिस्टिंक मतलब डिफरेंट फैक्टर्स डिस्टिंक मतलब डिफरेंट फैक्टर्स डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर के कितने डिस्टिंग प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स होंगे डिफरेंट प्राइम 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 फैक्टर्स फैक्टर्स लिख पर नंबर तो पता ही है ना वही प्राइम नंबर ठीक है ना तो हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर तो सबसे पहले बात करो कि स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होता है so 100. 100 तो दैट इज हंड्रेड और हंड्रेड की मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो वन की टेबल में आता है फिर टू की टेबल में आता है फिर फाइव की टेन की फिर किसकी टेबल में आता है 15, 20, 20 की 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 टेबल 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 में 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 आता 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 है। 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 है? फिर फिर उसके बाद भी भी ऐसे कितनी ठीक है, है ना तो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर पूछे तो इनमें से बताओ प्राइम नंबर कौन से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फोर यहाँ लिख देती थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर रहेगा ये हटा देते हैं यहाँ से फोर हटा के वहाँ लिख देते हैं सो so दैट इसको क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको हटा देते हैं ठीक है तो ट्वेंटी फाइव फिर फिफ्टी फिर हंड्रेड ठीक है ना तो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स पूछे हैं मेरा बच्चा तो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स कौन से होंगे तो वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर टू प्राइम नंबर है फाइव प्राइम नंबर है फोर नहीं है टेन नहीं है ट्वेंटी नहीं है ट्वेंटी फाइव नहीं है फिफ्टी नहीं है हंड्रेड नहीं है कंपोजिट है ये सारे तो हमें प्राइम नंबर निकाल तो ओनली टू तो टू एंड फाइव डिस्टिंग प्राइम नंबर्स कितने हो गए टू एंड फाइव क्लियर है क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो ये क्वेश्चन ना कंफ्यूज मत होना अगर यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम नंबर देन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्टली प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स का काउंट ही मत करना क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज परफेक्ट नंबर्स नाउ व्हाट इज परफेक्ट नंबर्स परफेक्ट नंबर नंबर्स उस फैक्टर सम इज ट्वाइस द नंबर ट्वाइस द नंबर जिनके फैक्टर का सम नंबर का ट्वाइस हो वो क्या कहलाते हैं परफेक्ट नंबर जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं सिक्स का एग्जांपल लेते हैं सिक्स का तो सिक्स के फैक्टर्स क्या होते हैं वन टू थ्री सिक्स इतनी बार डिस्कस कर लिया अब तो याद ही हो गए होंगे अगर मैं इनका सम करूं तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स कितना आ गया बच्चा ट्वेल्व आ गया क्या ये सिक्स का ट्वाइस है सिक्स इंटू टू लिख सकती हूँ मैं इसको तो ये परफेक्ट नंबर है वैसे अगर मैं ऐट की बात करूँ तो वन टू फोर एट अगर मैं इनका सम करूँ तो वन प्लस टू प्लस फोर प्लस, 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 प्लस एट कितना आ जाएगा वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस फोर सेवन सेवन प्लस एट फिफ्टीन क्या फिफ्टीन टू इंटू एट है डबल है एट का नंबर का डबल है नहीं है तो ये परफेक्ट नंबर भी नहीं है क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ और आज की क्लास क्लियर हुई सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थैंक यू सो मच